तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका इंडियन टेक सीक्वेंस चैनल में स्वागत है। तो आज हमारे पास बहुत सारा इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है, तो आइए देखते हैं पहले न्यूज की तरफ, जो कि आ रहा है AMD Ryzen 5000 सीरीज के बारे में। क्योंकि एक स्लाइड लीक हुआ है जिसमें ये पता चलता है कि आने वाला जो CPU है उसमें और भी ज्यादा हायर रैम फ्रिक्वेंसी का सपोर्ट मिलेगा। और ये जो स्लाइड लीक हुआ है ये शेयर किया गया था AMD का तरफ से प्रेस को, और उसी में से किसी एक ने सोचा कि चलो इसको लीक कर देते हैं। तो उसी के वजह से हमें ये पता चल रहा है कि जो आने वाला Ryzen 5000 सीरीज का CPU होने वाला है उसमें 4000 MHz का RAM स्वीट स्पॉट होगा। और स्लाइड देख के हमें ये पता चलता है कि जो आने वाला प्रोसेसर है उसमें 3 क्लॉक स्पीड का फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि 4 फ्रीक्वेंसी से अलग होगा। तो पहला इन्फिनिटी फैब्रिक क्लॉक है जो ये डिसाइड करता है कि जो CPU का कोर है और उसका CPU डाई का और SoC कंट्रोलर के बीच में कम्युनिकेशन कितना फास्ट होगा। दूसरा है मेमोरी कंट्रोलर जो ये डिसाइड करेगा कि कितना जल्दी डेटा रैम से इनपुट और आउटपुट होगा। और तीसरा है मेमोरी क्लॉक जो मेन सिस्टम मेमोरी का फ्रिक्वेंसी डिसाइड करता है। ये सभी तीनों क्लॉक्स 1:1:1 के रिलेशन में कन्फिगर किया गया है, जो बेस होगा सिस्टम का मेमोरी स्पीड से। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर आपका पास एक DDR4 का 3600 MHz का RAM है, तो आपका ये तीनों क्लॉक इन्फिनिटी फैब्रिक क्लॉक, मेमोरी कंट्रोलर और मेमोरी क्लॉक 1800 MHz पे रन करेगा। और आपको तो पता ही होगा कि AMD का मेमोरी फैब्रिक हमेशा से हायर RAM फ्रिक्वेंसी को ही इंकरेज करता है। तो अब जो 5000 सीरीज के ऊपर अपना CPU बिल्ड करेंगे तो उनके लिए 4000 MHz का RAM ही स्वीट स्पॉट होने वाला है। जैसे कि अभी फिलहाल 3000 सीरीज के लिए 3800 MHz RAM ही बहुत स्वीट स्पॉट है। तो अब बात करेंगे हम दूसरे न्यूज़ के बारे में, जो कि है SSD, क्योंकि इसका प्राइस अभी सिग्निफिकेंटली बहुत ही गिरने वाला है आने वाले Q4 मतलब दिसंबर से लेके जनवरी 2021 तक। हालांकि अभी Amazon पे अच्छा अच्छा SSD का सेल चल रहा है, जो कि एक है Samsung का 500GB वाला EVO 900+, जो आपको मिल जाएगा 6399 में, और ये अब तक का सबसे लोएस्ट प्राइस है। साथ ही आप एडिशनल 600 HDFC का क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डिस्काउंट यूज कर सकते हैं, जिससे आपको ये फिर इफेक्टिवली 5800 के करीब पड़ जाएगा, जो कि फिलहाल बहुत अच्छा डील है। और किंगस्टन आपको 8299 में मिल रहा है, और वो भी सबसे लोएस्ट प्राइस है, वो भी 1 TB NVMe SSD के लिए। और फिर आप इसमें भी एडिशनल HDFC का डिस्काउंट लगा के और 600 रुपये कम में बाय कर सकते हैं। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर इतना कैफियत है कि आप वेट कर सकते हैं, वो भी 3-4 महीने, तो आप वेट करें, क्योंकि एक रिपोर्ट आ रहा है स्टोरेज न्यूज़लेटर के द्वारा, जिसमें TrendForce जो कि एक एनालिस्ट फर्म है, उसने ये कंफर्म किया है सर्वे के थ्रू कि आने वाले दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में NAND फ्लैश का प्राइस 10% से गिरने वाला है, क्योंकि अभी जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो ओवर सप्लाइड है, और जितने भी बड़े सर्वर मैन्युफैक्चरर या एंटरप्राइजेस हैं उन सभी का सॉलिड स्टेट ड्राइव पे 10-15% का डिक्लाइन देखा गया है। तो इसका फायदा हमें मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट बहुत है, तो इसका ओवर सप्लाई होने की वजह से मार्केट में डिमांड कम होगा, तो इसका प्राइस भी नीचे आएगा। तो वो राइट टाइम रहेगा आपके लिए एक अच्छा SSD परचेस करने के लिए। और जितने भी गेमर्स है ये उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि आजकल जितने भी PC बिल्ड होते हैं उन सभी में एक SSD मस्ट है, क्योंकि अब हार्ड डिस्क का टाइम धीरे धीरे कम हो रहा है, बस एक हार्ड डिस्क स्टोरेज टाइप के लिए ही रह जाएगा। क्योंकि अगर आपको फास्ट और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो SSD मस्ट है। और SSD के ही टॉपिक से हम आते हैं अपने न्यूज के तीसरे टॉपिक पर, जो कि है Assassin's Creed Valhalla का PC स्पेक, जिसमें आपको एक SSD मस्ट कर दिया गया है। तो ये गुड न्यूज है, क्योंकि Ubisoft ने रिलीज कर दिया है अपने आने वाले Assassin's Creed Valhalla का 6 डिफरेंट स्पेक्स, जिसमें कि आप 1080p लो सेटिंग से लेके 4K अल्ट्रा सेटिंग तक गेम खेल सकते हैं। और Ubisoft ने जिन 6 डिफरेंट स्पेक्स को रिलीज किया है उसमें आपको मिनिमम NVIDIA का अगर कार्ड है तो GTX 960 या AMD का है तो R9 380 से ऊपर का होना चाहिए, और हायर में आप बोलेंगे तो आपका पास 2080 सुपर हो या RX 5700 XT हो या अभी के रिसेंट 3080 ग्राफिक कार्ड हो या आने वाले बिग नावी हो, तो इनमें से जो भी हो इन सभी में आपका गेम एकदम मस्त चलेगा। और PC गेमर्स के लिए एक फायदा ये भी है, क्योंकि इसमें 120 सेटिंग है जिसको ट्वीक करके आप और एक बेटर एक्सपीरियंस ले सकते हैं गेम का। लेकिन हाँ, SSD मस्ट किया गया है गेम को
प्रॉपरली रन करने के लिए। तो इस गेम को खेलने के लिए एक तो आपको SSD का दरकार पड़ेगा। आइए देख लेते हैं Assassin's Creed के ये सिस्टम रिक्वायरमेंट के कुछ स्क्रीनशॉट, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपको अगर ये गेम खेलना है तो आपको कौन FPS में किस सिस्टम का किस हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट लगेगा। तो ये रहे वो सारे रिक्वायरमेंट, आप एक नज़र डाल लीजिए। और हाँ, Assassin's Creed आने वाला है नवंबर 10 को इसी साल, लेकिन ये फ्री होगा उन लोगों के लिए जो लोग AMD के Ryzen 3000 सीरीज को अभी खरीदेंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे नंबर की न्यूज़ पे, जो आ रहा है इंटेल की तरफ से, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि रॉकेट लेक बूस्ट क्लॉक अचीव करेगा 5.5 GHz तक, जो कि कॉमेट लेक को गेमिंग में पछाड़ देगा। क्योंकि जो ये नेक्स्ट जेन का CPU रॉकेट लेक है जो 2021 में आने वाला है, उसमें आपको करेंट कॉमेट लेक चिप से ज़्यादा बेटर और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि ये ओवरक्लॉक होगा सभी कोर को 5 GHz तक, और आपका पोटेंशियली बूस्ट हो जाएगा ये 5.5 GHz तक, जो कि रूमर्स के हिसाब से कहा जा रहा है। तो IT कुकर ने एक फ्रेश डिटेल दिया, क्योंकि उसने एक इमेज पोस्ट किया है जो इंटेल का 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। इन शॉर्ट, रॉकेट लेक का प्रोसेसर अभी भी 14 नैनोमीटर पर बेस्ड होगा, लेकिन उसका आर्किटेक्चर और इम्प्रूवमेंट गेमिंग की तरफ ज़्यादा होगा, और जिसमें कैश साइज भी ज़्यादा होगा, जो कि पिछले जनरेशन से 50% ज़्यादा L2 और L3 कैश होगा। और ये सब तो साउंड एक्साइटिंग करता है, लेकिन हालांकि ये सब रूमर है, तो अभी देखते हैं कि आगे इसका क्या पॉसिबिलिटीज होता है, कितना करेक्ट होने का, और क्या फिर इंटेल वापस से AMD को बीट कर पाएगा गेमिंग। तो अब बढ़ते हैं हमारे छठे न्यूज़ पे, जो कि NVIDIA की तरफ से, जिसके पास RTX 3090 है उसके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये 3090 कार्ड जो है ये पासवर्ड क्रैक करने में ज़्यादा बेटर होने वाला है। क्योंकि पास कवरी सूट 20.09 के रिलीज होने के साथ ही अब इसका सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओपन ऑफिस, PDR, ZIP, iOS बैकअप और जितने भी अदर पॉपुलर एप्लीकेशन फाइल फॉर्मेट है, उन सभी पे पास कवरी का GPU सपोर्ट भी ऐड कर दिया गया है। तो अब आप GPU की मदद से पास कवरी को यूज़ करके अपना पासवर्ड जो क्रैक करना चाहते हैं वो ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और एक स्टडी किया है पास कवरी के द्वारा, जिसमें CPU और GPU का क्लॉक सिग्नल को एनालाइज करके GPU एक्सेलरेशन के थ्रू NVIDIA ग्राफिक कार्ड से ZIP आर्काइव का क्लासिक इंक्रिप्शन को ब्रेक किया और ये इजिली हो गया। लेकिन शुक्र है कि ये पास कवरी जो है ये सिर्फ लोकल फाइल स्टोर रहता है कंप्यूटर पे, उसी पे ये काम करता है, और आप इसका चिंता ना करें कि आपका हैकर लोग जो है आपका कार्ड को यूज करके आपको फाइल को एक्सेस करेगा, क्योंकि ये अभी पॉसिबल नहीं है। तो अब आते हैं हमारे फिर से एक गेमिंग न्यूज पे, जो कि आ रहा है PS5 की तरफ से, क्योंकि अचानक से PS5 ने अपना नया UI को रिवील किया है। तो इस वीडियो में हिडियाकी निशिनो, जो कि है प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म के प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टीम के हेड है, और साथ ही सिड सुमन ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने प्लेस्टेशन के नया UI को रिवील किया है। और इस बार PS5 का यूजर एक्सपीरियंस को 4K TV के ही बेस पर रख के बनाया गया है, और इस बार का उनका मोटो है कि वो एक अच्छा वैल्यूएबल प्ले टाइम दे, साथ ही साथ उसका जो प्ले टाइम हो वो मीनिंगफुल हो। और इस बार यूजर एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यूज़र को ही खुद सेंटर करके ही PS5 को डिज़ाइन किया गया है, ताकि यूज़र को एक ग्रेट गेमिंग एक्सपीरियंस मिले, साथ ही साथ एक बड़ा गेमिंग कम्युनिटी भी बने। और इस बार कंट्रोल सेंटर को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि आप जहां से गेम को पॉज करेंगे अगला बार रेस्ट मोड से रिटर्न आके आप वहीं से गेम को रिज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर एक ही बटन से दूरी पे है, तो आप गेम खेलते खेलते आपको हर एक सेटिंग आपको बिना गेम से बाहर जाए आप चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फीचर्स तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो ऑफिशियल सोनी ने लॉन्च किया है, आप जाकर चाहे तो चेक कर सकते हैं पूरा डिटेल्स। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट न्यूज़ की तरफ, जो ये भी गेमिंग की तरफ से ही आ रहा है, क्योंकि Xbox Series H ने लॉन्च कर दिया अपना लाइनअप, और सच बताओ तो ये अच्छा नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने रिवील किया अपना Xbox Series X का लाइनअप, और ये पर्टिकुलरली देखा जाए तो उतना इंप्रेस नहीं करता है, क्योंकि इसमें 30 गेम जो है जो साथ ही साथ Xbox Series के लॉन्च होंगे 10 नवंबर को, और ये सब गेम ऑप्टिमाइज रहेंगे Xbox Series X में। लेकिन ये सारे गेम जो है वो कोई भी एक्सक्लूसिव गेम्स नहीं है जो Xbox में एक्सक्लूसिवली चले। लेकिन हाँ, Xbox Series X में जो गेम्स है वो बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जो बैकवर्ड कंपैटिबल है,
लेकिन हाँ वो वेल ऑप्टिमाइज नहीं है, लेकिन आप खेल सकते हैं। तो ये रहे वो गेम के लिस्ट जो एक्सबॉक्स सीरीज एस के साथ लॉन्च के लाइनअप में आएंगे, और जो ब्लू रंग से मार्क किए गए हैं वो एक्सबॉक्स गेम पास पे भी अवेलेबल होंगे, जो एक्सबॉक्स स्मार्ट डिलीवरी फीचर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये 30 गेम जो लाइनअप में है ये कोई उतना भी बड़ा तोप नहीं है, लेकिन हाँ इसमें से कुछ जैसे असैसिन क्रीड वाला है, वॉच डॉग लीजन और याकुजा लाइक ए ड्रैगन, लेकिन ये सभी एक्सबॉक्स एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन हाँ इसमें से कुछ जैसे गियर्स 5, फ्रोजा होराइज़न 4, ओरी एंड द विल ऑफ द विप्स, ये सभी वेल ऑप्टिमाइज किया गया है। लेकिन हाँ उतना खास कुछ ठोस नहीं है जो गेमर्स को एक्साइट करे। और हाँ एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ ये भी है कि हेलो इन्फिनिट डिले हो चुका है 2021 के लिए, तो ये भी अभी नहीं आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही न्यूज़ था। हाँ मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है क्योंकि आज थोड़ा न्यूज़ ज़्यादा थे, पर मैं अगली बार से ट्राई करूँगा वीडियो को और क्रिस्प रखने का, ताकि आपको भी देख के इंटरेस्टिंग लगे और आप तक इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें जाएं कमेंट करें, हम आपका सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। तो दिस इज वासिक साइनिंग ऑफ।